आप संत गुरुजनों से सुंदर और अच्छी अच्छी बातें सुनी, सत्संग का सार है सुंदर जीवन का निर्माण, जीवन को सुंदर बनाना। आज सवेरे जब सवेरे सवेरे उठा तो एक बात ख्याल में आया, क्योंकि लगभग 4:30 बजे उठना होता है, तो मैं बरसों से, शायद मुझे याद नहीं है, आप लोगों को याद हो, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह आसन होता है कि वहां सुलभता भी नहीं होती। बचपन में हम सुना करते थे मुर्गा सवेरे सवेरे आवाज करता था, मुर्गी हो है मुर्गा, और शायद पहले किसी घर में कोई अलार्म भी नहीं होता था, है ना, तो मुर्गा की आवाज को सुनकर के ही लोग जान जाते थे कि अब सवेरे हो गए। शायद वो मुर्गा की आवाज भी दब गई, और मुर्गा बेचारा करे क्या, क्योंकि जो मुर्गा समाज को रोज जगाने का काम करे उसी मुर्गा को भी लोग खाते भी हैं, मारा जाता है। तो इसके साथ साथ में मुझे विचार आया, शायद ऐसे ही जिन महापुरुषों ने इस देश समाज और राष्ट्र के लोगों को जगाने का प्रयास किया, संत गुरुजन अपने अपने समय में अपने अपने स्थान में जगाने का प्रयास करते हैं। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, और जैसे सपना रेन का तैसा यह संसार। हम लोग सोए हुए लोग हैं, रोज सो जाते हैं, अरे एक नींद तो रात में है जिसको सबको लेना है, संत को भी लेना होता है, लेकिन एक दूसरी नींद है जिस नींद में हम सब लोग रहते हैं, दिन भर रहते नींद में, बेहोशी में, निरंतर बेहोशी में ही रहते हैं, और ये सत्संग केवल जगाने के लिए ही है, केवल जगाने के लिए। उस नींद से, जिस नींद में हम सोए होते हैं, हमारे माँ बाप जगाते हैं सवेरे सवेरे। जब माँ बाप जगाते हैं ना, मुझे याद है, तो जागना भी अच्छा नहीं लगता है, और जो जगाते हैं उसी को हम कभी कभी गाली भी देने लगते हैं, बच्चे चिढ़ जाते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि सदियों से हमें सोने का बड़ा मजा आता है, तो रात का नींद भी अच्छा लगता है, और ये दुनिया का नींद भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन संत और गुरुजनों को पता होता है कि सोए रहने से न पढ़ाई होने वाली है, न उन्नति होने वाली है, न खेती होने वाली है, न व्यापार होने वाला है। जागा हुआ ही आदमी कुछ पाता है, और जागा हुआ आदमी कुछ कर पाता है। आप इतिहास उठा करके देखें तो संत सुकरात को जहर दे दिया गया, केवल जगाने का काम कर रहे थे। उसके पास ऑप्शन था, वहां का जो राजा था उसको कहा कि तुम्हारे पास 3 विकल्प है, चाहो तो तुम चुन सकते हो। पहला कहा, तुम इस देश को छोड़ करके चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। सुकरांत ने कहा कि ये मेरा जन्मभूमि है और मेरा कर्म भूमि है, मैं अपने जन्म भूमि और कर्म भूमि को छोड़ सकता नहीं हूं। उसने कहा तो ठीक है, दूसरा एक विकल्प है कि तुम जो बोलते हो, तुम अपनी बात से बच्चों को बिगाड़ते हो। देखिए, अच्छा करने वाला सदैव ये सोचता है कि मैं देश को बनाने का काम करता हूं, लेकिन देश की ना समझ लोग सदैव संतों को बिगाड़ने वाले बोलते हैं। राजा ने कहा कि तू बच्चे को बिगाड़ने का काम करता है, उस काम को छोड़ दे, चुप हो जा। सुकरात ने कहा कि मैं मर सकता हूं लेकिन सत्य बोलना छोड़ सकता नहीं हूं। राजा ने कहा तीसरा अंतिम विकल्प है, ये जहर का प्याला तुम्हें पीना पड़ेगा। सुकरात ने कहा कि ये चल सकता है, मरना तो एक दिन है ही,
अरे कल मरूं, परसों मरूं, 10 साल 20 साल बाद मरूंगा, उससे अच्छा मैं आज मर सकता हूं, क्योंकि संत मरने से डरते नहीं। अरे गुरु कबीर साहब जी की भाषा में बात करें तो जही मरने से लोग डरे, मेरो मन आनंद कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। कबीर साहब मरने का आह्वान करते हैं, मौत को बुलाते हैं। हम मौत से डरते हैं, मौत से भागते हैं, मौत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन संत और गुरुजन उस मौत को भी निमंत्रण करते हैं। और गुरु अभिलाष साहब जी की गीत के अनुसार कहें तो रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, तू सामने रहती नहीं यह तन सुख भासता। गुरु अभिलाष साहब कहते ये मौत मेरे सामने हर क्षण रहा करो, क्योंकि तुम सामने रहती हो तो संसार का वास्तविकता मुझे पता चलता है। और पलटू महाराज जी ने तो और गजब की बात कही, देखत सोना लगे सकल जगह कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए तो झूठ तो मरना सच है। ये जीवन तो झूठ है लेकिन मरना ही सच है। सुकरात ने कहा कि मैं जहर पीना स्वीकार करता हूं। हमारे भारत के बहुत अच्छे महर्षियों में से एक महानतम संत स्वामी दयानंद सरस्वती को भी जहर दे दिया गया। संत ईसा को क्रॉस पर लटकाया गया। सदगुरु कबीर साहब जी को 52 कसनी कसी गई। जितने महापुरुष थे सबको इस समाज ने प्रताड़ित करने का काम किया, लेकिन फिर भी डरे नहीं, वो अपनी बात कहते रहे। इसलिए क्योंकि हमें जगाने का काम करते हैं। और जो मैं कह रहा था कि आपन पौ आप ही बिसरियो, हम सबने अपने पौ को, अपने चेतन स्वरूप को, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को, अपने ईश्वरत्व को, अपने भगवत्व को हम सब भूल चुके हैं। भूले कि नहीं भूले हैं? बच्चे लोग अपनी प्रतिभा समझ लीजिए। रामायण की कठिनाई याद दिलाऊं, राम सुग्रीव से मित्रता करने के बाद, बाली के वध हो जाने के बाद, सीता के खोज के लिए चारों दिशाओं में वानर सेना भेजे। वानर सेना का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदरों का सेना हो, बंदर नहीं थे। कवि अपनी भावनाओं में लिखते हैं लेकिन समझने वाले उसका भाव न समझ करके केवल शब्दार्थ करते हैं। बानर का मतलब पूंछ वाला बंदर नहीं है, बानर गोत्री आदिवासी मनुष्य हैं। जैसे आज भी बहुत सारे गोत्र होते हैं, किसी का भैंसा गोत्र हो तो क्या आदमी भैंसा हो गया? नहीं होता ना। और सोना गोत्र होने से कोई सोना नहीं होता। तो पहले जामवंत्री गोत्र है, वानर गोत्र है। इसी प्रकार से जितने भी पशु पक्षियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसको अपना टैटम रखते थे, अपना पहचान रखते थे। तो वानरों की जो सेना थी यानी आदिवासियों का समूह संगठन श्री रामचंद्र जी ने इकट्ठा किया। अब जंगल में रहेंगे तो कौन मिलेगा? तो उनका इकट्ठा करके सभी दिशाओं में उन्होंने अपनी सेना भेजा सीता की खोज के लिए। तो सारे चारों दिशाओं में खोजने के लिए गए। खोजते खोजते जमवंत, हनुमान जी, नल, नील, ये लोग समुद्र के बिल्कुल करीब पहुंच गए। और जब खोजते खोजते नहीं मिला और पता चला कि समुद्र की उस पार जाकर के हमको पता लगाना चाहिए, तो सब लोगों ने अपने शक्ति का परिचय बताया। किसी ने कहा कि मैं एक कोस जा सकता हूं, किसी ने कहा दो कोस जा सकता हूं, किसी ने कहा कि मैं आधा समुद्र लांग सकता हूं, किसी ने कहा कि मैं लांग तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। जामवंत जी ने कहा कि जितने भी वानर दल है अपने अपने शक्ति के अनुसार बखान कर रहे हैं और अपने शक्ति का परिचय बता रहे हैं और तुम चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी ने कहा कि मैं भला कर क्या सकता हूं, मैं तो बहुत ही असहाय हूं, शक्तिहीन हूं, एक साधारण बानर हूं, मेरे से क्या हो सकता है। पूरे रामायण में हनुमान जी ऐसे योद्धा हैं और भक्त हैं
जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सबका अपना अपना स्वार्थ है, लेकिन हनुमान का अपना कोई स्वार्थ उस पर दिखता नहीं, और इतना निस्वार्थ होकर के वो अपना काम करते रहे। अंतिम में जब युद्ध होकर के आए थे अयोध्या में, तो राम जी ने सबको उपहार दिए और उपहार के साथ साथ पद भी दिए। सम्मान करते हैं ना, जैसे बच्चे आपके प्रतिभाशाली उसको सम्मान करते हैं, प्रतियोगिताएं होती उसमें सम्मान करते हैं। तो वहां भी अयोध्या नगरी में सबका सम्मान किया जा रहा था। तो सबका सम्मान होने के बाद में श्री रामचंद्र की दृष्टि हनुमान जी पर चली गई। हनुमान जी को देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे मैंने तो सबका सम्मान किया, योग्य सबको पद भी दिया, लेकिन मेरे करीब बैठे मेरे प्रिय भक्त हनुमान को मैं कोई भी न पद दे पाया और न सम्मान कर पाया। हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु सम्मान की कोई इच्छा नहीं है, और जो कुछ किया मैं आपकी सेवा बस किया हूं, मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। राम ने कहा कि नहीं, मैंने सबको कुछ न तो कुछ दिया है, कुछ न कुछ सम्मान किया है, कुछ पद दिया है, तुमको भी मैं कुछ पद देना चाहता हूँ, लेकिन तुम क्योंकि मेरे बहुत करीब हो, मेरे सबसे नजदीक हो, इसलिए मैं तुम पर ही छोड़ता हूँ, तुम जो मांगना चाहो दे सकता हूँ। हनुमान जी ने पुनः हाथ जोड़े, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जब निकटतम होता है ना, घनिष्ठता होती है, तो आदमी जोर से भी बोलता, अरे ले, ऐसा बोलते नहीं आप लोग, जबरदस्ती देना चाहते हैं। और याद रखिए, एक सूत्र बताकर जा रहा हूं, जो बच्चे जितना खबोड़ हो, जितना खाने वाले हो, जितना छीनने वाले हो, आप उसको देते नहीं, लेकिन जो घर का बच्चा जितना शांत हो, सहज हो, जो कुछ देने के बाद में वो लेता नहीं, उसी को आप खिलाना भी चाहते हैं। जो बच्चा नहीं खाता, जो बच्चा नहीं लेता, जो बहुत ही सहज और सीधा होता है, उसी को खिलाने का आप प्रयास भी करते। जानते हैं ये बेटा को नहीं देंगे तो छीन करके खा लेगा, लेकिन ये जो बड़ा वाला है ना, इतना भोला है कि इसके घर में इसके बिस्तर पे डाल दो फिर भी खाने वाला नहीं। जब ज्यादा ही आग्रह किए तो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहे, प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक पद नहीं दो पद चाहिए, एक पद नहीं अब मुझे दो पद चाहिए। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया देखे मैं बोलता था ना, ये हनुमान बोला लाल जी है, पहले तो बोलता है तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और जब मांगने की पारी आई तो दो दो पद मांग रहा है। रामचंद्र जी ने कहा, कोई बात नहीं, अरे एक पद क्या, मैं तो जितना पद कहे उतना पद देने के लिए तैयार हूँ। अरे अगर मेरे भाई हनुमान अगर इस राज्य को भी मांग ले तो मैं इस अयोध्या को भी देने के लिए तैयार हूँ, ये तो दो पद की बात है, मांगने दो ना, ये मांगो जो मांगना है। हनुमान जी कहे, प्रभु केवल आपके चरण के दो पद ही मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति हनुमान जी की थी। तो उस हनुमान जी को जामन जी कहते हैं कि जामन जी कहते हैं कि हनुमान तुम में अतुल बल है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे ये समुद्र तो क्या, तुम सात समुद्र को भी लांग करके आ सकते हो। जब जमुंत जी ने उनकी शक्ति का परिचय कराया और जब शक्ति का बोध हुआ, तो वह हनुमान जो अपने को बहुत ही निर्बल समझ रहा था, कमजोर समझ रहा था, जब शक्ति का परिचय हुआ तो समुद्र को भी लांघा और समुद्र को लांग करके सीता का परिचय ले आया। ऐसे ही हम सबके अंदर में प्रतिभा छुपी है, शक्ति छुपी हुई है, वो सब कुछ छिपा हुआ है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। लेकिन जानेंगे जब, जब हनुमान के साथ में जैसे जामवंत थे, तो ये संत और गुरुजन ही जामवंत हैं जो हमारे अंदर छप छुपे हुए प्रतिभा को, शक्ति को हमें बताने का काम करते हैं। गुरु कबीर साहब कहते हैं, आपन पौ आप ही बिसरियो, जो अपना पन है, आत्म अस्तित्व है, अपना स्वरूप है, उसको हमने ही भूल गया है, खोया नहीं है, पाना नहीं है, इसलिए सद्गुरु के दरबार में पाना नहीं है, किसी परमात्मा को नहीं पाना है, किसी देवता को नहीं पाना है, किसी भगवान को नहीं पाना है, क्या करना है, जागना है और जानना है।
जाग करके जानना है, केवल भूले हैं, बिसर गए हैं। कैसे बिसर गए हैं? तो गुरु और कबीर साहब कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूषी मरियो। एक कांच का महल था, उस कांच के महल, अब कांच का महल, मैं एक बार पिछले कुंभ मेला में हरिद्वार गया था, तो वहां पर पावन धाम स्थान है, किसी किसी को याद हो, तो उस पावन धाम स्थान में ही एक कांच का मंदिर है, उसमें भ्रमण करेंगे ना तो सब तरफ अपना ही चेहरा दिखता है, क्योंकि वो कांच का ही बना होता था। तो उस कांच के मंदिर में, कांच का ही बना हुआ मंदिर था, और उसमें बहुत बड़ा एक अंदर में घेरा था, चारों तरफ कांच लगा हुआ था, कुत्ता घुस गया। और कुत्ता का स्वभाव जानते हैं, कुत्ता सबको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपना ही जैसे दिखता हुआ चेहरे को वो बर्दाश्त करता, कुत्ता ही कुत्ता का दुश्मन होता। आपके गांव में अगर कुत्ता होगा, इस मोहल्ले का कुत्ता है, अगर उस मोहल्ले का कुत्ता आता हुआ दिख जाए तो ठहरता, भूक भूक करके भगा देगा। ऐसे ही स्वभाव हम लोगों का भी तो होता है। अरे आदमी जानवर से थोड़ी लड़ने जाता है, आदमी किसी शेर से थोड़ी लड़ता है, केवल अपने ही लोगों से लड़ता है, अपने ही भाई से लड़ता है, अपने ही पिता से लड़ता है, अपने ही देरानी से लड़ता है, लड़ती है माताएं अपने ही जेठानी से, अपने ही सास, अपने से ही तो हम लड़ते हैं। कुत्ते से कोई ज्यादा हमारी योग्यता है क्या? जैसे कुत्ता अपने ही सजाति को देख करके भुगता है, वैसे ही हम अपने ही सजातियों को देख करके ही तो भुगते हैं। हम में और कुत्ता में कोई बहुत ज्यादा अंतर? जो काम कुत्ता करता है वही काम शायद हम लोग भी किया करते हैं। गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो के जैसे स्वान कांच मंदिर में, जब कुत्ता कांच के मंदिर में घुस गया तो क्या दिखता था? कोई दूसरा कुत्ता नहीं था वहां, एक भी अपने ही प्रतिबिंब को देख देख करके भौंकता गया और भौंकते भौंकते मर गया। कितना सुंदर उदाहरण। ये संसार कांच महल है, और इस संसार रूपी कांच महल में हम सब कैद हैं, और जितने लोग भी इंसान है ना, अपना ही चेहरा तो है, अपना ही प्रतिबिंब तो है, सबके अंदर में वही जीवात्मा तो निवास कर रहा है, कौन सा अलग है? घाव का ही पर घालो और जित देखो तित प्राण हमारो, किसके चोट पहुंचाए किसको दुख दे। भक्ति का अर्थ, धर्म का अर्थ इतना ही है कि ये समझ में आ जाए कि जो दुख, जो तकलीफ, जो परेशानी, जो समस्या मुझे है, शायद ऐसे ही समस्या, ऐसी ही परेशानी, ऐसा ही तकलीफ सामने वाले को भी है, ऐसे ही दुख उसको भी होता है। अगर ये समझ आ जाए तो कोई किसी व्यक्ति को, कोई किसी प्राणी को सताएगा नहीं। और ये समझ नहीं आती है, इसीलिए संत और गुरुजन कहते हैं कि तुम पहले अपने अस्तित्व को समझो, अपने अस्तित्व को पहचानो, कि तुम ये जान पाओ कि जिस प्रकार से तुम्हें दुख होता है, किन बातों से दुख होता है। कोई तुम्हें गाली दे, किसको किसको अच्छा लगता है? आपकी कोई निंदा करे, आपको तो ऐसा नहीं लगता ना, मेरी निंदा होती तो बहुत अच्छी बात है भाई, बढ़िया, मैंने सम्मान का काम किया। वैसे निंदा करना अच्छा लगता है, निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन निंदा करना अच्छा जरूर लगता है। और निंदा रस तो इतना सुंदर रस, अगर माताएं अगर सिर में गगरी भी रखी हो ना, तो एक घंटा बीत जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि सिर में गगरी भी है। गोबर फेंकने जाती है माताएं, गोबर ही नहीं फेंकती है, फेंकती तो गोबर है और भर कर ले आती है निंदा को पूरा। कितना सवेरे जो हमारा काम होता है ना, रोज का रोज जो हम सवेरे करते हैं, प्रकृति कितनी अच्छी व्यवस्था है हम सबके साथ में दी है, शायद शिक्षा देने के लिए सवेरे उठते ही सबसे पहले सफाई होती है, चाहे जानो चाहे ना जानो, लेकिन करना पड़ता है।
है ना, टट्टी पेशाब की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं। सर्वप्रथम सवेरे उठते ही केवल एक काम करते हैं, वो काम है सफाई करना। प्रकृति ये संदेश दे रही है, अगर तुमको सर्वप्रथम कोई काम करना है तो सबसे पहला सफाई करना सीख जाओ। चाहे वो मन का सफाई हो, चाहे तन का सफाई हो, चाहे घर का सफाई हो। भजन में कितना सुंदर गाया है, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे, सबको याद है ना। माताएं घर के आंगन तो जरूर बुहारती हैं, कचरा बाहर निकाल कर फेंकती हैं, लेकिन एक कचरा है जिसको दिल में रख लेती है, वो निंदा का कचरा, द्वेष का कचरा, बैर का कचरा, घृणा का कचरा, नफरत का कचरा, द्वेष का कचरा। अरे हम बाहर के कचरा तो फेंकते हैं और मन की कचरा को रखते हैं, ये दुख का कारण है। कबीर साहब का एक सुंदर प्यारा सा दोहा है, जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू देर के और कूड़ा दूर साफ करने का। सत्संग का मतलब ही इतना है, साफ करना। जैसे घर की सफाई करते हैं ना, वैसे मन की सफाई कर दे, हृदय की सफाई कर दे। और जब हृदय एकदम पूरा साफ हो गया, पवित्र हो गया, राम जी ने भी रामायण में यही कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न। आया है कि नहीं आया है? राम जी कहते कि मुझे वो प्यारा है जो निर्मल मन वाला है। क्या हमारा मन निर्मल है? नहीं है ना, तो भक्ति नहीं हो रही है। और कबीर साहब कहते अगर ऐसा निर्मलता आ गई, अगर हमने अपने मन को निर्मल कर लिया तो कबीर मन तो निर्मल भया, और जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर परमात्मा के पीछे हमें नहीं, अगर मन निर्मल हो गया, मन सुंदर बन गया, हृदय पावन हो गया, तो परमात्मा हमारे पीछे आएगा, परमात्मा के पीछे हमें जाना नहीं पड़ेगा। मानस का कथा है, सबरी के दरबार में श्री रामचंद्र जी आते हैं। सबरी को परमात्मा के पास जाना नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस रामायण में दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर यूं है कि सबरी कभी भी भगवान के लिए तपस्या नहीं कर रही थी, न उसको पाने के लिए विनती कर रही थी, और न ही उसको पाने के लिए ललायत थी, और न ही सबरी ने कभी जूठा बेर खिलाई थी। याद रखना, वाल्मीकि रामायण में सबरी ने कभी जूठा बेर नहीं खिलाई, और न कभी भगवान को पाने के लिए वो तपस्या कर रही थी। वो तो साधी का थी, साधना कर रही थी। बल्कि श्री रामचंद्र जी है, वो खुद पता लगाते लगाते जा रहे थे और रास्ते में सबरी से मुलाकात होती है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये अंतर मैं बता दूं। लेकिन खास बात ये है कि रामचरितमानस के अनुसार सबरी के पास श्री रामचंद्र जी आते हैं, न कि सबरी राम के पास जाती है। काम यह करना है कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो, हमारा मन सुंदर बन जाए। अगर मन सुंदर बन जाता है तो प्रभु को, परमात्मा को भी हमारे दरबार में, हमारे घर में आना पड़ता है। ये परमात्मा क्या है? तो आत्म साक्षात्कार होना ही तो परम तत्व को पाना है। और जब ऐसे परम तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं तो साक्षात संत और गुरुजन रूपी परमेश्वर और ईश्वर और संत हमें दर्शन देने नित्य आया करते हैं। और गुरु कबीर ने तो यहां तक कहा, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोय, और तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा। कबीर साहब की वाणी बड़ी अद्भुत अलंकारित। कबीर के साहब कहते कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरे घर में भगवान आ गए, और घर में आकर के बाहर से आवाज लगाने लगे, द्वारे तेरे राम जी, तुम्हारे द्वार में राम जी आ गए, पुकार करने लगे, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोय, ए कबीर, ए लोगों, तुम मेरे से मिलने के लिए आ। लेकिन आदमी इतना आलसी होता है ना, क्या कहना, आदमी सोचता है कि भगवान इतनी दूर से चल करके, अयोध्यापुरी से चल करके, साकेत लोक से चल करके, बैकुंठ लोक से चल करके मेरे गांव तक, भेंडरा तक आ गए हो,
मेरे घर के दरवाजे तक सड़क किनारे आ गए हो तो थोड़ा दरवाजा खोल करके अंदर भी आ जाओ। तो भगवान कहते कि साकेत से भिंडरा तक तो आ गया, बैकुंठ लोक से तुम्हारे धमतरी तक तो आ गया, तुम्हारे छत्तीसगढ़ तो आ गया, लेकिन तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला मैं नहीं हूं। तो उसने कहा क्यों? तो तय तो सब में मिली रहा, मैं न मिलूंगा। तू सब में मिला हुआ है, इसलिए मैं तुमसे मिलने वाला परमात्मा पाना है, परम तत्व को पाना है, तो एक में मिलना पड़ेगा, अपने आप में जाना पड़ेगा। और गुरु कबीर ने तो इसके लिए एक और अद्भुत साखी कही। कैसे अद्भुत अद्भुत उनके मनोविज्ञान था। कबीर साहब ने कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होई। एक बार तो इससे भी गजब हो गया। राम ने अपने बुलावा भेज दिया, दूत भेज दिए साकेत लोक से। देखिए, हम भगवान को पाने के लिए रात दिन तपस्या करते हैं, यज्ञ यज्ञ करते हैं, और कबीर साहब कहते हैं कि इस भगवान ने, राम ने बुलाने के लिए अपना दूत भेज दिए। कैसे दूत भेज दिए? कि जा कबीर को बुला करके ला, बैकुंठ में उसको हम जगह देने वाले हैं, उसको बैकुंठ लोक देने वाले हैं। देव दूत को देख करके कबीर साहब रोने लग गए, भावुक हो गए। नहीं, मैं जाने वाला, जैसे बच्चा रोता है ना, बच्चे को स्कूल भेजते हैं आप, बेटा कहे स्कूल चल, पढ़ाई कर, बच्चा कहता है मम्मी मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, कभी कभी रोने लगता है। एक बच्चों की बात याद आई, तो चुटकुला भी याद आ गया। एक स्कूल में मास्टर जी बच्चों को कुछ पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते अचानक स्वर्ग नरक की बात याद आई। तो मास्टर ने पूछा, बच्चों ये बता, इसमें जितने लोग बैठे हैं उसमें नरक कितने लोग जाने वाले हैं, नरक कितने लोग जाने वाले हैं? तो किसी बच्चे ने नहीं हाथ नहीं उठाया। अच्छा, आप लोग जाना चाहते हैं क्या? नहीं जाना चाहते हैं, बड़े समझदार लोग हैं। मास्टर ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा ये बता, इसमें से स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? तो एक बच्चे को छोड़कर सारे बच्चों ने उठाया। आप सब भी जाना चाहते हैं? स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते? भिंडरावासी लोग तो स्वर्ग में है, तो कहां स्वर्ग जाएंगे, यही तो स्वर्ग है ना। उस बच्चे ने कहा कि सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया कि हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, एक बच्चे ने नहीं उठाया। मास्टर ने उसको पास में बुलाया, पीठ थपथपाया और पुचकारते हुए प्रेम से कहा कि बेटा क्या तुम नरक नहीं जाना चाहते? कहे मास्टर जी मुझे नरक जाना नहीं है। मास्टर ने पुनः पूछा कि बेटा बता, नरक नहीं जाना चाहते तो क्या स्वर्ग जाना चाहते हो? तो बेटा ने कहा कि मास्टर जी मुझे स्वर्ग भी जाना नहीं है। मास्टर ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, ये बच्चा जाएगा कहाँ? उसने कहा कि बेटा तू जाना कहाँ चाहता है? बच्चा ने सुंदर जवाब दिया कि मास्टर जी, ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे नर्क जाना है, छुट्टी की घंटी बजते ही मुझे अपना घर जाना है। हम सबको भी अपना घर जाना है ना, सत्संग खत्म होते ही तो कम से कम घर जाना है। तो कबीर साहब ने कहा कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होय। कबीर साहब कहे मैं बैकुंठ लोक नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो सुख साधु के संग में है, जो सत्संग में है, वो तो बैकुंठ में मिलने वाला नहीं है। आज वास्तव में इस भिंडरा ग्राम के इस धरा पे बैकुंठ लोक है, क्योंकि ये सत्संग ही तो बैकुंठ लोक है। लेकिन याद रखिए कि ऐसे बैकुंठ लोक में, ऐसे स्वर्ग में, इससे बढ़कर स्वर्ग और कहीं मिलने वाला कैसे स्वर्ग है ये? यहां जितने लोग बैठे किसी के मन में क्रोध नहीं है, किसी के मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है ना, पवित्रता है सबके अंदर में, तो स्वर्ग तो है। लेकिन ऐसे स्वर्ग में भी लोग आना नहीं चाहता। एक बार नारद जी स्वर्ग लोग चले गए घूमते घूमते। नारद जी को जानते हैं ना कौन था? नारद जी प्रसारण मंत्री है, मीडिया विभाग उसी के अंतर्गत में है। पहले के जैसे आज है ना एबीपी न्यूज, न्यूज 24, आज तक और जितने चैनल हैं, वो सारा हेड ऑफिस उन्हीं के पास था, सारा काम वही करते थे, खुद जाते थे सूचना देने। तो नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते तो स्वर्ग लोक चले गए।
जब स्वर्ग लोग गए तो देखते कि हाँ स्वर्ग में भी खाली खाली था, सूना दिख रहा था। तो नारद जी ने प्रश्न किया, अब यम लोग का जो देवता है वो यमराज है, यमराज से कहा कि यमराज भगवान कि आपका जो स्वर्ग लोग है खाली खाली कैसे लगता है। उसने क्या करो भैया, ये जो मृत्यु लोक का आदमी है ना, ये स्वर्ग आना नहीं चाहता है। कहे आदमी स्वर्ग नहीं आना चाहता है कि नहीं? अरे सभी लोग तो स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और आप करते हैं कि ये स्वर्ग आना नहीं चाहते हैं। यम लोक के देवता यमराज ने कहा कि मैंने तो बहुत प्रयास किया, अरे ऑफर पर ऑफर देते गया, सब्सिडी भी निकाल दिया, लेकिन कोई स्वर्ग आना चाहता। तो उसने कहा कैसे सब्सिडी देना चाहिए? अरे मैंने देखिए सतलोक में, द्वापर युग में, त्रेता युग में बड़ी कठिनाई से स्वर्ग लोग पाते थे, लेकिन कलयुग के लिए मैंने इतना सुंदर ऑफर दे दिया कि गंगा में नहा लो स्वर्ग मिल जाएगा, यमुना में नहा स्वर्ग मिल जाएगा, और राम नाम जप लो स्वर्ग मिल जाएगा, थोड़ा सा तपस्या कर लो स्वर्ग मिल जाएगा। मैंने स्वर्ग पाने के लिए बहुत सारे ऑफर निकाल दिया, फिर भी लोग आना चाहते नहीं है। नारद जी ने कहा कि प्रभु एक बार टाइम मुझे अवसर देकर देखिए, एक बार मैं जाकर के देखता हूँ, पता लगाता हूँ स्वर्ग जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते। देखिए आदमी मरता है ना तो सबके नाम में जरूर स्वर्गवासी लिख देते हैं, पता नहीं वो स्वर्ग गया कि नहीं गया, ना वो बताने वाला ना हम जानने वाला, सही कि नहीं? एक टाइटल है, और हर आदमी बोलता है कि हमें स्वर्ग जाना है, लेकिन बोल दे कि अभी जाना है तो कहीं जाने के लिए तैयार होगा नहीं। तो नारद जी धरती पे आ गए, कहानी को कंप्लीट करके मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। बोले सद्गुरुदेव की जय। नारद जी धरती पे आ गए, और धरती में जैसे आए तो सबसे पहले गांव के किनारे में ही कुछ बुजुर्ग लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो यही तो खाली पीली कौन पाएंगे जी, बुजुर्ग लोग तो बैठे रहते, कोई ताश खेल रहा है, कोई गप हाँक रहा है। देखिए पहले के जमाने में जब बुजुर्ग लोग हुआ करते थे ना, तो आपस में चौरा में बैठ करके कभी आला उदल कथा करते, कभी रामायण की कथा पढ़ते, कभी महाभारत की कथा पढ़ते, एक पढ़ रहे बाकी लोग सुन रहे होते हैं। लेकिन आज किसी गाँव में जाकर के देखिए, ना आला उदल की कथा होती है, ना रामायण की कथा होती, ना भागवत की कथा होती, ना पुराण की कथा होती, केवल एक ही कथा होती है, ताश की कथा। थोड़ा बहुत बज गया तो आजकल वो मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आज ना बूढ़े बचे हैं, ना बच्चे बचे हैं, ना जवान बचे, कोई नहीं बचा इससे, है ना? तो कुछ बूढ़े आपस में बैठ करके गप मार रहे थे। नारद जी आया, और नारद जी ने कहा कि मैं स्वर्ग से सीधा आपके ही पास आया हूँ, क्योंकि आपकी उम्र भी 60-70-80 की हो गई है, चलिए आपको स्वर्ग ले जाने आया हूँ, चलोगे? तो सबने कहा कि हाँ हाँ स्वर्ग तो चलेंगे। नारद जी ने कहा चलिए तैयार हो जाइए। क्या इतनी जल्दी? अरे भाई रुको, स्वर्ग तो जाना चाहते हैं लेकिन थोड़े दिन समय तो दो, अभी हमारे पोती की शादी होने वाली है, अभी मंगनी बस हुई है, सगाई बस हुई है, एक ने कहा कि छोटा सा घर बना है उसका उद्घाटन भी तो होने दो, किसी ने कहा कि मेरे बेटे की शादी हुई है, अभी बच्चा का मुख भी नहीं देखा हूँ, नाती पोते का मुख तो देखने दो। आदमी इतना बहानेबाज है कि पूछना क्या। सभी बूढ़ों ने, आदमी मरते दम तक बिस्तर पे भी हो, शरीर में दर्द भी भरा हो, हॉस्पिटल पर ही पड़ा हो, लेकिन आदमी मरना चाहता नहीं है, आदमी मरना नहीं चाहता है। बहुत मनाने का प्रयास किया लेकिन किसी ने माना, कह जाना तो चाहते लेकिन थोड़े दिन रुक जाइए, लेकिन मौत जब आएगी ना तो एक क्षण का टाइम देने वाला नहीं है, एक क्षण एक मिनट का भी टाइम देने वाले नहीं है। नारद जी हताश होकर के आगे जब बढ़े तो कुछ बच्चे फिर खेल रहे थे। उसने कहा कि बूढ़े लोग तो नहीं जाना चाहते, बच्चे लोग तो जाएंगे ना, क्योंकि बच्चा का मन बड़ा कोमल होता है, बच्चा का मन बड़ा सीधा होता है। बच्चे के पास गए, कहे बेटा तुम लोग क्या खेल रहे हो? कहे हम बच्चे लोग कैसे खेलते हैं, धूल मिट्टी में खेलते कि नहीं खेलते हैं, वो सब चीज नकली बना लेते हैं, गुड्डी गुड्डा बना लेंगे, मिट्टी के साग भात बना लेते हैं। हम लोग खेलते थे बचपन में, मिट्टी का ही धूल मिट्टी का ही साग भात बना, उसी खाते भी थे, मतलब खाने का मतलब एक्टिंग करते थे, और जब वो खेलना बंद हो जाता उसी को मिटा देते, घर में आकर बोलते कि माँ भोजन दो, तो कभी की माता बोलते अभी तो खाकर आया था, है ना? तो बच्चे का अपना खेल होता है, उसमें अपनी मस्ती होती है, लेकिन याद रखिए कि बच्चों से बड़ा खेल हमारा, बच्चे वो धूल मिट्टी की खेल में मस्त है, और ये संसार रूपी धूल मिट्टी में भी हम लोग वही खेल खेल रहे हैं, इससे कोई बड़ा खेल हम लोग करते
बच्चे के पास नारद जी गए, बेटा कहे तुम लोग मैं जानते हो मैं कहां से आया हूं। हाँ हाँ हम जानते हैं तुम रामायण मंडली की नारद हो ना। देखिए बच्चे तो रामायण मंडली की नारद समझ रहा है। कह बेटा मैं नारद तो हूँ लेकिन रामायण मंडली का नहीं, मैं तो सीधा स्वर्ग से आया हूँ। कहे क्यों आए हो? कहे तुम लोगों को लेने क्यों लेना चाहते हो? तुम वहाँ चलो, वहाँ सब कुछ मिलेगा, सब बढ़िया रहेगा। बच्चों ने कहा कि ऐसी धूल मिट्टी और ऐसे खेलने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहे नारद जी कहे वहाँ धूल मिट्टी होती नहीं है। बच्चों ने कहा कि ऐसी धूल मिट्टी अगर ऐसा खेलने को ना मिले, ऐसी आजादी ना हो, तो वो स्वर्ग किस काम का? बच्चे से तो भी हार करके नारद जी आगे बढ़ गए। कुछ जवान लोग मिले, जवान को देख करके नारद जी के मन में भी चमक आई कि जवानी में आदमी सब कुछ करता है, जवानी में पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, नौकरी करता है, शादी करता है, व्यापार करता है, आदमी हर काम जवानी में करता है, तो निश्चित ये जवान भी स्वर्ग जाना चाहेगा। नारद जी गया, जाकर के पूछे भाइयों क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? सब ने खुश होकर कहा हाँ हाँ हम जाना चाहते हैं। कहते चलो तैयार हो जाओ। उसने कहा इतनी जल्दी? अरे इसी साल तो शादी हुई है, अभी तो सुख भी नहीं भोगे हैं। एक ने कहा इसी साल तो मेरी नौकरी लगी है, थोड़ा कमाने दोगे, एक घर बनाने दोगे? कहे थोड़ा सा टाइम तो दो। सारे जवानों को पूछ लिया लेकिन कोई जवान जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। नाराज होकर के, हताश होकर के नारद जी वापस ही लौटने वाले थे। गांव के बाहर में एक सुअर को लौटते हुए देख लिया। तो सुअर कहां लौटता है पता ना, गंदगी में। उसने सोचा कि ये इंसान तो जा ही नहीं रहा है, चलो इस शुक्र भगवान को ले जाऊं क्योंकि विष्णु का ये भी एक अवतार है, इसी के पास जाकर के पूछू। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, शुक्र भगवान नमस्कार। जो सुअर है ना करते हुए ऊपर सिर ऊपर करता है, जब ऊपर करता है तो उसने कहा कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? उसने पूछा स्वर्ग जाना चाहते कि हाँ, लेकिन एक शर्त है। शुक्र ने कहा कि एक शर्त है। सुअर ने कहा एक शर्त है तभी मैं जाऊंगा। उसने क्या? ऐसे डल्लब की गद्दा वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सवेरे सवेरे जो भी मुझे ब्रेकफास्ट मिलता है ना, सुअर का ब्रेकफास्ट जानते हैं मोदी जी ने थोड़ा कम कर दिए हैं क्योंकि सबके घर में शौचालय खुल गया है। अब शौचालय खुल जाने से जो सवेरे सवेरे आपके गांव में जो ब्रेकफास्ट मिलता था वो सुअर का अब कम हो गया है। तो शुक्र भगवान ने कहा कि ये ब्रेकफास्ट मिलता है ना गंदगी। नारद जी के अरे तू ये क्या कहता है कि स्वर्ग में सब सुख चीज मिलेगा, सब चीज बढ़िया बढ़िया रहेगा, लेकिन ये गंदगी मिलने वाली नहीं है और ना ये तुम्हारा डल्लभ का गद्दा है ना बिल्कुल लग्जरी कार, ये भी मिलने वाला नहीं है। शुक्र भगवान ने कहा तो ऐसे स्वर्ग को मैं लात मारूं। इस स्वर क्या है पता है? ये हमारा गंदगी से भरा हुआ मन ही स्वर है जो संसार रूपी गंदगी में ही पड़ा रहना चाहता है लेकिन सत्संग रूपी स्वर्ग में आना चाहता नहीं है। हमारे संत कह रहे थे ना कि यहाँ पर अर्जुनदा का नाच हो तो पूरा पंडाल भर जाएगा, लेकिन आदमी अगर सत्संग कराए तो सत्संग में लोग आना नहीं चाहते। तो मैं कह रहा था कि आपन पाओ आप ही बिसरियो, जैसे स्वान काच मंदिर में भर मित भूष मरियो। ये जो आत्मा का परिचय न होने के कारण, अपने आप को न जानने के कारण सारा भ्रम होता है। अगर ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, इसलिए तीन चीज को पढ़ना जरूरी है। आपको किताब पढ़ना ना आए या ना आए, आपको कोई पुस्तक पढ़ना आए या ना आए, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन तीन चीज को पढ़ना सीख लीजिए। और इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, किसी विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है, केवल समझ की जरूरत है। पहला है अपना मन पढ़ना सीख जाओ, दूसरा दूसरों का दिल समझना पड़ जाओ, और तीसरा प्रकृति को पढ़ना सीख जाए। जो प्रकृति को पढ़ गया वो आदमी सब चीज को पढ़ सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ विद्वान भी इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, वकील बन गया है, मिनिस्टर बन गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ना अपने दिल को पढ़ पाता है, ना अपनी पत्नी के दिल पढ़ पाता है, ना अपने परिवार वालों का दिल पढ़ पाता है, और ना ही इस प्रकृति को पढ़ पाता है। इसलिए वो खुद की जिंदगी को तबाह करता है, परिवार की जिंदगी को तबाह करता है, और इस सृष्टि को भी वो तबाह करता है। अंतिम बात कहते हुए जाऊंगा, परसों ही मैं एक घर में रुका हुआ था, यहां से ठीक सारंगगढ़ के पास में, तो छत में मैं देखा क्या कि बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग थे, सब अपटूडेट थे, शादी में आए हुए थे, लेकिन जैसे खाते और खाया करके जहां था इतना फेंक करके गंदगी किए कि नरक भी फेल। पूरी गंदगी से जो जगह इतना पवित्र दिख रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था, चंद घंटों में मिनटों में इतनी गंदगी बिखर गई
कि क्या पूछना वो, ये गंदगी किसने किया, पढ़ा हुआ इंसान करता है। ये गंदगी समाज में भी फैलाता है, देश में भी फैलाता है, इंसान स्थान में भी फैलाता है। इसलिए आदमी सदैव गंदगी पैदा करना जानता है। और संत गुरुजन यही कहने आते हैं कि तुम अपने को जानो, दूसरों को पहचानो और प्रकृति के साथ जीना सीखो तो हमारा जीवन पावन हो सकता है। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोले सद्गुरु देव की जय।